दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक मोबाइल का व्हाट्सएप अकाउंट दूसरे मोबाइल में चला सकते हो मैं इस मोबाइल का व्हाट्सएप अकाउंट इस व्हाट्सएप अकाउंट को इस मोबाइल में भी चलाना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करना है आपको अपने दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू इस पे टैप करना है और अब यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर इंटर करके नेक्स्ट करते हो तो ये व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल में तो आ जाएगा लॉग इन हो जाएगा लेकिन इस मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल में भी, भी

लिंक ए डिवाइस ये दिखाई देगा इस इसपे टैप करना है और अपने मोबाइल में जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है पिन पैटर्न पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट लॉक वो लगा के वेरीफाई कर लेना है उसके बाद इस तरीके से एक क्यू आर कोड स्कैनर ओपन होगा इस क्यू आर कोड स्कैनर से इस क्यू आर कोड को स्कैन कर लेना है जो की इस मोबाइल में दिखाई दे देगा जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ यहाँ पे इस मोबाइल में चैट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस लोड होने लगता है और अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इस मोबाइल का व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल में लॉगिन हो चुका है और दोनों का चैट बिल्कुल सेम है यानी कि सेम व्हाट्सएप अकाउंट दोनों ही फोन में चल रहा है और कभी भी लॉग आउट करने के लिए आप सिंपली इस थ्री डॉट पर टैप करोगे लिंक्ड डिवाइसेस में जाओगे और यहाँ से डिवाइस स्टेटस के नीचे अपने डिवाइस को सेलेक्ट करके लॉग आउट कर सकते हो बाकी इस फोन से भी लॉग आउट करना हुआ थ्री डॉट पर टैप करना है सेटिंग में आना है अकाउंट में आना है और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो